सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, सिलाई अध्यापिकाओं को तोहफा, जाने बड़े फैसले। 10,000 मेधावियों को मिलेंगे स्मार्ट मोबाइल फोन, सीएम जयराम ने कुल्लू में किया शुभारंभ। धर्मशाला के टर्म एक की परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा बोर्ड देगा मौका। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित। नियम तैयार, हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले टीसीपी से बाहर होंगे 400 गांव। हिमाचल के शिमला से धर्मशाला और मनाली ले के लिए एचआरटीसी वोल्वो सेवा शुरू। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने मांगी 17 सीटें। जेपी नड्डा बोले दिसंबर में किया जाएगा कीरतपुर नेरचौक फोरलेन का लोकार्पण। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, पूरा दिन चलेंगी ओपीडी ऑपरेशन। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बदलाव, अब पहले ऊना फिर चंबा जाएंगे। पेयजल परियोजनाओं में अब पैदा होगी बिजली ट्रायल पूरा। शिमला में लगेंगी स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें, होंगी बिजली की बचत। हर्ष महाजन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस महासचिव धर्मशाला ने छोड़ी कांग्रेस। राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में आरओसी यश राणा ने जीता स्वर्ण। एरियर के लिए अभी इंतजार, पहली किस्त में 1300 करोड़ रुपये जारी होंगे। केंद्र ने जारी किए 300 करोड़, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास, 33,000 को मिलेगा रोजगार। 5.25 घंटे में पहुंचेंगे हिमाचल से दिल्ली पीएम, आज ऊना में दिखाएंगे हरी झंडी। हमीरपुर तक पहुंचेंगे ट्रेन, यहां बनेगी सबसे लंबी सुरंग, पीएम मोदी आज रखेंगे आधारशिला। सोलन में प्रियंका गांधी की रैली से पूर्व नगर निगम में कांग्रेस को झटका, बीजेपी 11 पार्षद के साथ लाई अविश्वास प्रस्ताव। लेवल 4 में ही रहेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आईटी भर्ती नियमों में संशोधन में गलती सुधारी। लंपी से हर रोज 150 पशुओं की मौत, प्रदेश में अब तक बीमारी का शिकार बने 7500 मवेशी। करवा चौथ व्रत पूजा का यह समय 6 से 7:15 बजे तक रहेगा शुभ मुहूर्त, ज्योतिषी विपिन शर्मा ने दी जानकारी। जल रक्षकों, मल्टीटास्क वर्कर्स को तोहफा, कैबिनेट बैठक में 8 साल में अनुबंध देने का बड़ा फैसला। गंभर पुल के पास 3 पर्यटकों की मौत, चंडीगढ़ मनाली एनएच पर 500 फुट गहरी खाई में गिरी कार। दोषी कंपनियों को सजा दे हिमाचल हरियाणा सरकार। 180 मेगावाट की बजोली होली परियोजना का प्रधानमंत्री नहीं करेंगे लोकार्पण। राहुल गांधी हिमाचल में करेंगे चुनाव प्रचार, 14 को सोलन में प्रियंका करेंगी विशाल रैली। दोस्तों, इसी तरह हिमाचल के ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।